10,000 लोगों का ज्वाइनिंग कराऊंगा बीजेपी में एक साथ। 2017 से हम बीजेपी में ज्वाइन करके अभी तक हम बीजेपी में है, लेकिन हम अभी नाबम विवेक का बीजेपी में आए। 14 दिनों में एक लीडरशिप चेंज करना है, एक अच्छा नेता जो कि द्विमुख कंस्टिट्यूंसी को अच्छा सही दिशा में ले जाने वाला हमको नेता चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आई रिक्वेस्ट टू गिव द नाबम विवेक टिकट। आज का जो ज्वाइनिंग था ये टीम विवेक में ज्वाइन किया है, और ये ऐसा करके करके हम लोग मेगा ज्वाइनिंग करेंगे बीजेपी में अंडर माय लीडरशिप। तो ये अल्टीमेटली जो हम काम करें ऐसे प्रवक्ता और स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, हम पार्टी का ही संख्या को बढ़ा रहा है 14 दिनों कॉन्फ्रेंसिंग में। जस्ट एक लीडरशिप का बैनर का एक इशू है, वो हाईकमांड सही समय पर निर्णय लेगा। और जहाँ तक मैं प्रैक्टिकली अभी रोड का देखा है, पब्लिक ने भी कहा है, अगर विधायक बन जाता हूँ तो कोशिश करूँगा कि ये रास्ता उसी हालत में नहीं रहेगा। अगले 5 साल में उसी हालत में रहेगा तो मैं यहाँ क्या मुख से इधर फिर दोबारा वोट मांगने आऊँगा। अगर समय रहता तो मैं विधायक नहीं बनने से भी सरकार का एक प्रवक्ता होने के नाते इसकी कोशिश कर सकता था, मगर अभी पब्लिक को पता है कि 5-6 महीना ही समय है, तो इसमें कोई स्कीम पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 2024 के चुनाव के बाद ये रास्ता हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ये हम लोग का बेसिक मेरा तो प्रायोरिटी रहेगा। यहाँ देखा गया कि आज जो मास ज्वाइनिंग हुआ है उसमें बहुत लोगों का कहना था कि चाहे टिकट एनपीपी का मिलो, कांग्रेस का मिलो या कोई भी पार्टी का मिलो, लेकिन हम लोग साथ देगा नाबम विवेक को। तो एज ए बीजेपी स्पोक्सपर्सन आपका उनको आपका क्या कहना रहेगा? इससे पता चलता है कि लोग यहाँ का जो 14 दिनों कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग जो है वोटर्स है, मन बना लिया है कि विधायक अगला चुनाव में नाबम विवेक ही होना है। तो इसलिए पार्टी का जो चूज करना मेरा ऊपर छोड़ दिया है, तो ऑटोमेटिकली मैं भाजपा में हूँ, भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मेरा जितना सपोर्टर है टीम विवेक में जितने लोग है ये भाजपा का ही है। अच्छा, तो आप कह रहे थे कुछ ये 1-2 महीना बाद मास ज्वाइनिंग होगा, उसके बारे में? हाँ, वही मैंने कहा कि अभी जो टीम विवेक में ज्वाइन करा, आपने जैसे पूछा कि आप जो भी पार्टी से आइए हमको उससे मतलब नहीं है, हमको नाबम विवेक को ही अगला विधायक देखना चाहता है। तो इसलिए मैं पब्लिक से आग्रह किया हूँ कि मैं जिस पार्टी में हूँ, जिस पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ और जिस पार्टी ने मुझे पब्लिक के बीच में बहुत काम करने के लिए मौका दिया है, तो उस पार्टी में ही हमको टिकट क्लेम करना है। तो इसलिए सारा लोग रेडी है मास ज्वाइनिंग करने के लिए। कम से कम 10,000 लोगों का ज्वाइनिंग कराऊंगा बीजेपी में एक साथ। जूनियर 2017 से हम बीजेपी में ज्वाइन करके अभी तक हम बीजेपी में है, लेकिन हम अभी नाबम विवेक का बीजेपी में आए। अरुणाचल प्रदेश आई रिक्वेस्ट टू वी पीपल आर मैंडेटरी टू द नाबम विवेक सेलेक्टेड टू इलेक्ट द गवर्नमेंट शुड बी गिव प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आई रिक्वेस्ट टू गिव द नाबम विवेक टिकट लाइक वी आर लाइक ए मैंडेटरी सपोर्टर टू इलेक्ट नाबम विवेक। मैं तो कोरोना एक बीजेपी में कार्यकर्ता रहा, अभी भी है, और आज इसलिए आया कि बांदरदेवा से मैं बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए आया कि हमको 14 दिनों में एक लीडरशिप चेंज करना है, एक अच्छा नेता जो कि द्विमुख कंस्टिट्यूंसी को अच्छा सही दिशा में ले जाने वाला हमको नेता चाहिए। और मैं पुराना भाजपा में कार्यकर्ता है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, और अभी भी वही है कि हम लोग का जो कोरोना कार्यकर्ता का सोच ये है कि हमको नेता को द्विमुख विधानसभा जो क्षेत्र का जो विधायक है इसको हमको नया चेहरा नेता बनाना है। अगर पार्टी टिकट बीजेपी का किसी को भी मिले आप सपोर्ट किसको करेंगे? टिकट तो मिलना था ही है, क्योंकि जिसका जो बीजेपी में है हमको भी बहुत साल काफी एक्सपीरियंस है, जिसका पब्लिक समर्थन है, जिसका जो सपोर्ट है उसको वेटेज को देके टिकट देता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एज ए पुराना कार्यकर्ता ये सबसे वो सही नेता को चुनेगा और विवेक को ही टिकट मिलेगा, बोल के मेरा भरोसा है। थैंक यू, आपका थ्रू से आपका माध्यम से हमको बात करने का मौका मिला है। हम यहाँ का एक्स अंचल समिति है, बासठ लोग वन का एक्स अंचल समिति है, तो हम ज्वाइनिंग हमने कराया, मेरा थ्रू से कराया, हम किया है। हम ताना हाली जी का साथ में था,
अभी हम 2024 के लिए हम लीडरशिप चुनने के लिए नवम बीबी का साथ हम ज्वाइनिंग होंगे। बीबी आज जितना मतलब हो पक्का डेवलप होगा, एरिया डेवलप होगा। यहाँ में आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, स्कूल ऐसे परसरा हुआ है, ना स्कूल में बाथरूम है, ना मेंटेनेंस है, ना पंखा है, स्कूल सराव, रास्ता आप देख लीजिए, चूहा का रास्ता जैसे भी नहीं है। आज का डेट में विदाई होता होटल में अच्छा विदाई होता, ये रास्ता ऐसा नहीं होता। हम लोग का गाड़ी तो स्क्रैच खत्म हो गया, आप लोग का गाड़ी भी तो स्क्रैच हो गया होगा। अब रास्ता जैसे देखा है क्या, नियर कैफीत यहाँ से आपका कितना है, आपका 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर ईटानगर यहाँ से हम वहाँ का लीडर लोग क्या खा रहा है क्या पी रहा है हम यहाँ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ डेवलप नहीं। हमको टिकट से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लीडरशिप को चुनता है। आज का दिन अभी समय में हमको लीडर चुनना है, और हम लोग हम मालूम है कि पब्लिक सपोर्ट देगा जरूर टिकट को, भाजपा टिकट को नवम बीबी को मिलना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू, वेलकम फॉर यू। बस लोसो ना पेला सबने नो बस ना के मैं बोलो ये सीधा के जयपुर नहीं नहीं मेरा कोरोना सारे खत्म पूरा है कि आंटी का ये अंकल मुन चिंता मतलब क्या बोलेगा आप मुन लोग रूट सही मुन लोग मतलब धीरे 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 धीरे